जय श्री ओम नमः सिद्धेव्या नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सबसाहो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तीन भुवन में सार पीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमहु त्रियोग समारिके नमहु त्रियोग समारिके अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलतराम जी द्वारा कृत यह गागर में सागर जैसी लघु समय सार की उपाधि से प्राप्त यह छहडाला ग्रंथ पे हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम पहली ढाल जिसमें चार गति का भ्रमण और उसके दुखों का वर्णन किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को जो नमस्कार किया है उसके बारे में जाना। उसके बाद पंडित जी ने जो तीन लोक के तीनों भुवन के जो अनंत जीव हैं उनका प्रयोजन क्या है उस प्रयोजन को बताते हुए इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य बताया कि ये ग्रंथ रचने का उद्देश्य क्या है, कि जो जीव का प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपदेश जो गुरु ने दिया है उसको बताने के लिए ये ग्रंथ रच रहे हैं। उसके बाद फिर पंडित जी ने बताया कि संसार परिभ्रमण का जीव का कारण क्या है, कि जीव जो है वो संसार में भ्रमण कर रहा है तो किस कारण से कर रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसमें कारण अवश्य होता है। तो संसार भ्रमण का कार्य हो रहा है तो उस कारण के बारे में पंडित जी ने बताया कि अपने आप को भूलकर यह जीव मोह रूपी मदिरा को पीकर अपने आप को भूलकर यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, इसीलिए अब उपदेश को स्थिर मन से सुनो, ऐसा पंडित जी ने बताया था। और ऐसा कहकर संसार भ्रमण का कारण बताकर अब संसार भ्रमण के दुखों की बात करेंगे, ग्रंथ की प्रामाणिकता बता देंगे, ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई थी कि ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है, कि जैसा केवली भगवान ने कहा है गणता देवों ने रचा है और आचार्य परंपरा से आया है, मैं भी उसी के अनुसार उसी के जैसा कुछ कहूंगा, ऐसी ग्रंथ की प्रामाणिकता बताकर फिर निगोद के दुखों को बताया। निगोद के दुखों पे हमने चर्चा की, फिर वहां से निकल कर दो एकेंद्रीय पर्याय हुई, एकेंद्रीय पर्याय में क्या क्या दुख थे, उसके बाद एकेंद्रीय पर्याय के बाद पंडित जी तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन कर रहे हैं कि तिर्यंच गति के दुख कैसे कैसे हैं। और तिर्यंच गति के दुख में भी हमने जो द्वीइंद्रिय तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय इनके दुखों की चर्चा कल की थी, कि जो लट आदि दो इंद्रिय है पिपील पिपील यानी चींटी चींटी आदि तीन इंद्रिय है, अली यानी भौंरा भवरा और वो भवरा आदि चार इंद्रिय है। इस तरह से हमने दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय है इनके दुखों के बारे में वर्णन किया, इनके दुखों के बारे में जाना। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो दुखों का वर्णन हो रहा है वो ऐसा नहीं किसी दूसरे जीव के दुखों का वर्णन हो रहा हो, अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए इन सभी दुखों को हमने भोगा है, इन सभी दुखों को हमने अनंतों अनंतों बार सहा है, इसीलिए ऐसे दुख अब हम नहीं भोगने पड़े, हमको संसार भ्रमण हमारा
ना हो ज्यादा, उसके बारे में अब हमें प्रयास करने चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अब उससे आगे बात करते हैं। तो आज यहाँ पंडित जी अब अगले दोहे में पंचेंद्रिय के दुखों का वर्णन करेंगे कि जो त्रियंच गति के पंचेंद्रिय जीव हैं उनकी दशा कैसी होती है। अब देखो पंचेंद्र अभी तक तो क्या था, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय की बात थी। अब पंचेंद्रिय में एक असंगी जीव भी आएंगे और संगी जीव भी आएंगे, क्योंकि जो असंगी और संगी का भेद बनता है इसमें पंचेंद्रिय में वो भी त्रियंच गति में बनता है। बाकी के तीनों में देव गति में नरक गति में मनुष्य गति में संगी ही होते हैं। तो पंचेंद्रिय में संगी संगी का भेद भी त्रियंच गति में है, तो उनकी कैसी दशा होती है उसके बारे में यहाँ वर्णन करेंगे। तो दोहा पढ़ते हैं पहले। कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिनिने पटे अज्ञानी थयो, सिंगादिक सैनी है क्रूर, निवले पशु हति खाए भूर। देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पूरा शब्द अर्थ देखते हैं इसका। कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, अभी यह जीव निर्बोध गति एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय के बाद कभी, देखो तत्पर्याय की दुर्लभता ही पंडित जी ने बता दी पहले, चिंतामणि रत्न के समान है, मीन्स वो तत्पर्याय मिलना ही दुर्लभ है। और फिर उस तत्पर्याय में द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय के बाद कवहु कभी, मीन्स बहुत कम रेयर केसेस में, वो रेयर केस है, त्रियंच गति होना पंचेंद्रिय की त्रियंच गति होना भी रेयर केस है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या। तो कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, कि यह जीव कभी पंचेंद्रिय पशु हुआ, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, तो वहां भी मन के बिना अत्यंत अज्ञानी यानी मूर्ख हुआ, सिंगादिक सैनी है क्रूर, और संगी भी हुआ तो सिंह आदि क्रूर जीव हुआ, निवल पशु हति खाए भूर, और क्रूर जीव होकर के उसने क्या किया, अपने से निर्बल अपने से कमजोर जो अनेक त्रियंश पशु थे उनको मार मार कर खाया। इसका भाव देखें एक बार, कि यह जीव कभी पंचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर अनेक निर्बल जीवों को मार मार कर खाया था, घोर अज्ञानी हुआ। बताओ कितने कैसी दशा है, मतलब इस संसार की विचित्र दशा है। देखो इस दोहे में दो वर्ड आए हैं, एक आया है भयो और एक आया है थयो, दोनों का अर्थ एक ही है। देखो कवहु पंचेंद्रिय पशु भयो, तो यहां भी क्या है, कभी पंचेंद्रिय पशु हुआ, तो भयो का अर्थ क्या है यहाँ पे, हुआ। और मन में निपट अज्ञानी थयो, और मन के बिना वह निपट यानी अत्यंत अज्ञानी थयो यानी हुआ, तो दो शब्दों का अर्थ एक ही है, भयो और थयो, ये एक बात। दूसरी बात देखें इसमें, कि मन बिन निपटे अज्ञानी थयो, मन के बिना हुआ, तो मन के बिना कौन, असंगी जीव। असंगी जीव कौन होते हैं, जो बिना मन के होते हैं, जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते हो, जिनकी सोचने की विचारने की क्षमता ना हो, ऐसे जीव असंगी जीव होते हैं। तो देखो विचार करो कि कितनी दुर्लभता से पंडित जी ने लिखा कवहु, कितनी दुर्लभता है कि द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय मिलना ही दुर्लभ है, तो पंचेंद्रिय पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है, और इतनी दुर्लभता से यह पंचेंद्रिय पर्याय मिल गई तो मन नहीं मिला, बताओ कितना दुख होगा। आज यदि सोचो जरा कि जो यदि हम है, हमारी दशा ऐसी होती, हम कुछ सुन भी नहीं कर सकते, कोई सोच नहीं सकते, कोई विचार नहीं सकते, तो हमारी कैसी दशा होगी,
तर विचार तो करें, हम अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखें। तो देखो इतनी दुर्लभता से यह पंचेंद्रिय पर्याय पाई और फिर भी मन नहीं पाया, ऐसी दशा। तो मन बिन निपट अज्ञानी खयो थयो। तो देखो मन का वास्तव में सही अर्थ क्या होता है मन का, कि जो सोच विचार सके, उपदेश ग्रहण कर सके, वह मन है। तो देखो मन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है द्रव्य मन और एक होता है भाव मन। द्रव्य मन होता है, पंडित टोडरम जी ने लिखा है मुझ प्रकाश जी में, कि हृदय में पंखुड़ियों के आकार का एक पुद्गल है जो कि द्रव्य मन है। और जो भाव मन है ये क्या है, एक हम कहें कि ज्ञान की पर्याय, एक तरह से कि जो भाव मन है वो क्या है, जो ज्ञान चल रहा है। क्योंकि द्रव्य मन तो क्या है, पुद्गल स्कंद, और जितना हमको ज्ञान प्रकट है वो उसी के द्वारा, जैसे जितना ज्ञान का क्षयोपशम है उतना ही हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। तो हम कहें कि जितना हमारा ज्ञान प्रकट है वह ज्ञान की पर्याय, तो हम कहें जितना हमें ज्ञान प्रकट है उतना भाव मन है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। एजेड इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भाव मन है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। देखो मन इंद्रिय नहीं है, जो मन है हमारा वो कैसा है, इंद्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंद्रिय में गिना जाता है, कहीं कहीं उसको इंद्रिय में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं इंद्रिय में, क्योंकि इंद्रिय किसे कहते हैं, कि जिन चिन्हों से जीव की पहचान हो, बाह्य में जिन चिन्हों से जीव की पहचान हो उसको इंद्रिय कहते हैं। किसी को स्पर्श इंद्रिय है तो है ही, कम से कम कि स्पर्श इंद्रिय से जीव पहचाना जाता है। किसी को दो इंद्रिय है, किसी की तीन इंद्रिय है, किसी की चार इंद्रिय है, ऐसा करके जीव की बाह्य रूप से पहचान, ये कि बाह्य चिन्ह है जीव की पहचान का। तो जीव की पहचान इस चिन्ह से होती है, तो मन से भी जीव की पहचान होती है। क्यों, मन से कैसे, वो जो जीव मन है कि नहीं, जैसे मनुष्य की पहचान, वह मनुष्य सोच विचार सकता है तो कहा जाता है ये मनुष्य है, ऐसा। तो मन से भी जीव की पहचान होती है, इसीलिए कुछ जगह पर ऐसा कहा जाता है कि मन भी एक इंद्रिय है, वो पंच इंद्रिय में नहीं है लेकिन उसको भी इंद्रिय में गिना जाता है। लेकिन जो इंद्रिय में गिना जाता है वो द्रव्य मन को गिना जाता है। तो ये जो जीव है, कभी पंचेंद्रिय भी हुआ तो मन बिन दुखी ही रहा। अब देखो यहां एक क्वेश्चन हो सकता है कि चलो जिनके मन है उनके सोचने विचारने की क्षमता है, तो सोचने विचारने से वो जीव संकल्प विकल्प करता है, कषाय करता है मन से। लेकिन निगोद के जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव हैं, और ये पंच इंद्रिय के संगी जीव हैं, इनको तो मन नहीं है। तो मन नहीं है तो इनको कर्म बंध कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी किसी का हो सकता है। तो देखो इस पे भी हम थोड़ा सा विचार करें कि जैसे पेड़ है, तो जब हमने उसको छुआ तो जानता ही नहीं जानता छुआ है, क्योंकि जैसे हमने देखते हैं कोई किसी पेड़ को छूते हैं तो वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, मीन्स एक फील नहीं होता है, बहुत ज्यादा हमको दिखता नहीं है, कुछ कुछ पेड़ दिखते हैं ऐसे, लेकिन वो भी एक इंद्रिय स्पर्श से जानता है, स्पर्श से जानता है कि हमने उसको स्पर्श किया, क्योंकि उसके स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय का मतलब ही यह है कि वो स्पर्श का ज्ञान कराए, तो स्पर्श का ज्ञान उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पर्श का ज्ञान उसको हो रहा है। और जब स्पर्श का ज्ञान उसको हो रहा है तो कोई उसको काटेगा, कोई उसको छांटेगा, कोई उसके उसको तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, तो मीन्स फूल वगैरह क्या है, उसके अंग है, एक तरह से जैसे कोई हमारे हाथ को तोड़े वैसे उसके फूल तोड़ना आदि हुआ, तो उसको भी उसके प्रति क्या होगा, क्रोध आएगा, जैसे कोई तोड़ रहा है तो क्रोध आएगा, मायाचारी करेगा, ऐसा करेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, बेचारा क्या करे, कुछ कर नहीं सकती तो बेचारे में है नहीं, उसमें एक इंद्रिय में, तो वो प्रकट रूप से नहीं दिखता हमको, वो उसका प्रकट प्राण नहीं होता। जैसे हम हैं, हमें हमारे क्रोध कषाय का उदय हुआ तो हमने अपना गुस्सा किसी में निकाल दिया तो वो प्रकट हो गया कि इसको क्रोध हुआ, लेकिन एक इंद्रिय जीव को
वो प्रकट रूप से नहीं है लेकिन है तो सही, क्योंकि उसको स्पर्श का ज्ञान हुआ है और विपरीत मान्यता तो है ही उसको, और विपरीत मान्यता है और कोई उसको स्पर्श कर रहा है, कोई उसको काट रहा है, छाट रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको क्रोध आदि कषाएं होंगी होंगी। तो वही तो क्रोध आदि कषाय हो गई और मानव कषाय भी कैसे हो सकती है, उसको उसको मान कसाय भी हम ये कहें कि जैसे वो पेड़ है बहुत ऊंचा है तो उसको एक ऐसा हो सकता है कि मैं कितना ऊंचा हूं या कुछ ऐसा उसके हो सकता है मान कसाय भी, तो उसके इस तरह से कसाय होती है एक इंद्रिय जीव के, और इसके बारे में थोड़ा देख के बताएंगे मान इसकी मान कसाय भी कैसे होगी पेड़ की, थोड़ा सोचना पड़ेगा उस पर। अच्छा उसके बाद हम आए चींटी आदि द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जीव। तो देखो चींटी के मन तो नहीं है लेकिन जब कोई उसको मारने की कोशिश करे या उसको पकड़ने की कोशिश करे तो उसके हाथ पे चढ़ के उसको कट कर उसको काटती है। तो वो काटती क्यों है, भय से, उसको भय रहता है, उसने ज्ञान से जाना ऐसा ज्ञान से जानने के बाद भय भय से उसने काटा, और काटने का मीन्स उसने प्रतिकार किया किससे, क्रोध आदि से, क्रोध आदि से उसने प्रतिकार किया। इसका मतलब क्या हुआ, उसको क्रोध आदि कसाय बरतती है, मन नहीं है लेकिन फिर भी क्रोध आदि कसाय बरतती है। देखो कहीं पर कुछ मीठा पड़ा हो तो वहां चींटी जाती है, क्यों, क्योंकि उसका उस स्वाद के प्रति लोलुपता है उसकी, तो भोजन से उसको राग है तभी तो वो वहां गई, कोई भी पदार्थ पड़ा है जहां पर वो उसको खाने के लिए गई, तो वो कब होगा जब उसको उसके प्रति राग होगा, तो उसको राग भी हुआ और मन जो उसको मारना चाह रहा है, जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वो कैसा भला समझ बुरा समझती है, तो मीन उससे द्वेष भी करती है, और वो अपने साथ की चींटी हो जो उसके लिए खाना लेके आ रही हो उसके उसे क्या समझती है वो भला। तो यहाँ इष्टअनिष्टपना भी हो गया एक तरह से, कि दूसरी चींटी को इष्ट मान रही है उसको अनिष्ट मान रही है, इष्टअनिष्टपना रूप से वो राग द्वेष भी उसमें बरत रहा है, और देखो उसको क्रोध आदि कषाय हो रही है, राग द्वेष हो रहा है, तो ये सब कर्म बंधन की निशानी है, इन सबसे कर्म बंधन होता है। तो इससे ये पता चलता है कि मन के बिना भी कर्म बंधन होता है, और इसीलिए निगोध के जीव, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी जीवों के भी कर्म बंधन होता है। और देखो जो ये मन है वो 10 प्राणों में आता है, 10 जो प्राण है 10 प्राणों में भी ये मनवल आता है, इसकी चर्चा में यहाँ नहीं करनी है, तो इसकी चर्चा तो आगे कभी प्राणों पे चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अभी देखो आगे की लाइन देखते हैं, यहाँ तक तो ये कि वो जीव देखो इतनी दुर्लभता से पंचेंद्रिय पर्याय में कभी पशु हुआ, यानी तीन गति में पंचेंद्रिय हुआ तो भी मन के बिना अत्यंत अज्ञानी हुआ, मतलब इतनी दुर्लभता पाने के बाद भी मन नहीं मिला बेचारी, और मन मिल भी गया, देखो अगली लाइन में क्या कहा, सिंघा दिक सैनी है क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर, जो खाए भूर, भूर मतलब बहुत, भूर का अर्थ होता है बहुत या अनेक, अनेक पशु खाए, सिंघा दिक सैनी है क्रूर, निवल पशु हति, हति यानी मारकर खाए भूर। तो यह जीव कभी सैनी भी हुआ, कभी इसने और दुर्लभता पाली, और दुर्लभता से बड़े और भी ज्यादा रेयर केसेस में उसने मन भी पा लिया, तो सिंह जैसा क्रूर प्राणी हो गया, और सिंह जैसा क्रूर पानी होकर उसने हिरण आदि ना जाने कितने तिरियंचों को मार मार कर खाया। मैं कितना विचार करें कि जीव की परिणति कैसी कैसी है, किसी गति में जीव की परिणति कैसी है, इस पर हम विचार तो करें कि है कि जीव की परिणति कैसी है, कितने उसके परिणाम कैसे चलते हैं, मीन्स कहां तो मन नहीं पाया तो दुखी, और मन पा लिया तो हिंसा आदि से दुखी, हिंसा आदि पाप रूप परिणाम कर रहा, पाप रूप परिणाम दुख के ही कारण है, तो वो उससे दुखी है, पाप रूप परिणाम से वो कर्म बंध भी कैसे बांधेगा, तो कर्म बंध जब वो ऐसा बांधेगा तो उस कर्म का जब उदय आएगा तो वो भी दुख रूप आएगा। तो मन मिल भी गया यदि, तो
ऐसा क्रूर प्राणी हो गया, क्रूर यानी कि निर्दयता, जिसमें दया नाम की चीज ना हो। ये ऐसे सिंह आदि जो पशु हैं वो ऐसे हैं क्रूर एकदम, की दया नाम की जिसमें चीज नहीं हो। मीन्स जो अहिंसा सामान्य रूप से है वो भी नहीं है, ऐसी हम बात करें तो, कि जो है कि वो अहिंसा भी उसमें नहीं हो, सामान्य रूप से होनी चाहिए। इतनी हिंसा करता है ये सिंगादिक पशु, तो देखो मीन्स दुर्लभता से मन पावी लिया तो भी उसकी हिंसा करना नहीं रोका, संसार भ्रमण का उसका कारण नहीं रोका, ऐसी ही अवस्था है। अभी देखो, अब ये हो गया कि कभी वो पंचेंद्रिय पशु भी हुआ तो मन के बिना अज्ञानी हुआ, और दुर्लभता से कभी संगी हो भी गया, सिंगादि आ गई तो उसने निवल यानी तो निर्बल पशु है जो बल में उससे कम है, निर्बल जिनके पास बल नहीं हो। देखो लौकिक में भी हम देखते हैं कि किस पे जोर चढ़ता है व्यक्ति का, कि जो उससे कमजोर हो, कमजोर व्यक्ति पे जोर चढ़ता है। तो सिंह आदि जो पशु हैं उनका भी जोर किस पे चलता है, निर्बल पशुओं पे, हिरण आदि जो पशु हैं तो उनपे उसका जोर चलता है। तो ऐसे ही को वो मार मार के खाता है, ऐसी दुखों से वो खुद पीड़ित है। तो ऐसे दुखों का हम भान तो करें, विचार तो करें कि कैसे कैसे दुख हैं ये, इन दुखों पे हम विचार करें यदि, तो हमें इस संसार की असारता का ख्याल आए। देखो जैसे निगोद की हमने दुखों की बात की थी, तो निगोद के दुख कैसे हैं, यदि हम यदि विचार भी करें तो हमारा मन सिहर उठे, मन हमारा कांप जाए पूरा, ऐसी ऐसे ये दुख हैं। देखो पंडित जी ने दो दो लाइन में एक ही गति के दुखों को किस तरह से वर्णन किया है, मीन्स की उन दुखों की हम भाव वासना भी अच्छे से हो जाए और दुखों का वर्णन भी पूरा आ जाए, तो कैसे कितना मतलब कम शब्दों में और कितना विस्तार समेटा है पंडित जी ने। मतलब उनकी हम वो देखे हैं कि उनकी चिंतन शैली कैसी थी, और कि वो मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताना चाह रहे थे। इसीलिए देखो निगोद गति का दुख, ऐसे दुख कि जिनको कहने में करोड़ों जीवाएं भी समर्थ नहीं है, ऐसे दुखों को पंडित जी दो लाइन में बता रहे हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि दो लाइन में वो दुखों को बता रहे हैं, और एक इंद्रिय के दुखों को तो एक ही लाइन में बता दिया। यदि हम एक इंद्रिय के दुखों को देखें तो एक इंद्रिय के दुखों को तो उन्होंने एक ही लाइन में बता दिया। निगोद के दुखों के बाद उन्होंने बताया था कि निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वास पत्थर। तो एक ही लाइन में जो पांच स्थावर हैं उन पांचों स्थावर के जीव का बता दिया, और फिर उसके बाद तिर्यंच गति का वर्णन आया। देखो तिर्यंच गति का एक दोहा ऊपर हो चुका है, एक दोहा ये है और अभी एक दोहा आगे आने वाला है। तो देखो तिर्यंच गति के दुख कितने हैं, द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चारइंद्रिय के दुख तो हमको दिखते ही है, चींटी आदि के दुख हमको दिखते हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिखते हैं कि ये कितने दुखी है ये जीव। लेकिन तिर्यंच गति के दुखों को भी देखें तो तिर्यंच गति के दुख भी हमें प्रत्यक्ष दिखते ही है, ये दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय के दिखते हैं सो तो है ही, लेकिन पंचेंद्रिय के दुख भी हमको प्रत्यक्ष दिखते हैं कि कोई किसी के किसी को मारने के परिणाम है, किसी को खाने के परिणाम है, किसी के कोई इसी से दुखी है कि मैं उससे कैसे बचूं, बस उसके जैसे हिरण आदि है तो उसके परिणाम कैसे रहते हैं कि मैं किस तरह से सिंह की नजर में ना आऊं, सिंह से कैसे बचूं, तो मीन्स परिणाम उसके इधर ही लग रहे हैं, इधर उधर ही जीव के। तो ऐसी ये अवस्था है दुखों से बड़ी अवस्था, हम ऐसे दुखों का भान करें, ऐसे दुखों की भाव भाषणा करें, और ऐसे दुखों से अब हमें और ना गुजरना पड़े, ऐसा हम पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ करके हम निज को जानें, निज का अनुभव करें, निज में ही लीन हो जाएं, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को प्राप्त करके इस मुक्ति मार्ग पर चलते हुए शीघ्र ही मुक्ति रूपी वधु का वरण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डो, सदा देते हूँ डो। पंचमी अष्टमी का स्मरण करते हुए नौवा नौ का मंत्र पढ़ के काज तक करेंगे।